तो तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये है डार्क रिडल नामक एक बस्ती यानी विलेज यानी एक गांव, जिसमें रहता है एक मोटा सा बुड्ढा जो साला वहां पे दिख रहा है। हाँ दिखा, हाँ वही। तो वो साला मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, तो आज हम लोग उसकी पुंगी बजाने वाले हैं। तो यार वीडियो में मजा तो आएगा ही। फिलहाल यार देखो यहाँ पे शॉप अंकल यानी ये सब चीज बेचते हैं यार, यानी पुंगी बजाने वाला सारा मटेरियल इसी के पास होता है, तो हम इससे खरीद के उसकी आज पुंगी बजाएंगे। और यहाँ पे अपना इंस्पेक्टर चिंगम, फिलहाल इसको फ्रीज करते हैं यार, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि यार उल्टा मैं जब भी उसकी पुंगी बजाऊंगा ये मेरे पीछे लग जाएगा यार। गलती उन्होंने की है लेकिन पीछे मेरे लगेंगे। फिलहाल दोनों की पुंगी बजाएंगे, उसमें क्या है, अपना कुछ नहीं जाता यार। अबे ये क्या छत पे लगा रखा है इन्होंने, क्या है भाई, चलो चढ़ते इस पर। अरे मैं कहाँ आ गया यार, वो देखो पुलिस अंकल, वो मुझे कहाँ पे ढूंढ रहा है। अबे तू फिर से फ्रीज हो गया। फिलहाल मैं यहाँ से जंप मारता हूँ, एक नीचे चला जाए इस पे आने से मुझे कोई फायदा नहीं यार। यहाँ से नीचे उतरो और फटाफट चलते हैं उसके सामने में। हाँ अंकल यार, बुरा तो तुमको लगा होगा लेकिन तुम्हारे कारण ही मैंने तुमको मारा। नीचे आ रहा है तू, उतर रहे। हाँ हाँ लड़के, तुम तो वही हो ना जो मुझसे सामान लेके सबको परेशान करते हो। हाँ अबे अंकल तुम तो समझदार बन गए, ये भी जानने लगा। खैर कोई बात नहीं, मुझे अभी सामान की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे पुंगी बजाता हूँ अपने ड्राइवर अंकल की। ओ मोटे अंकल, अबे झटका ले यार। इसको तो समझ में नहीं आ रहा यार, कहाँ से झटके लग रहे हैं हमको इधर का। ये झटके मुझे कहाँ से लग रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तो बहुत कम लगा यार, अभी आगे देखो और कितना लगता है। फिलहाल यहाँ भी एक झटके दो। हाँ अरे यार मैंने बहुत झटके मार लिए, अब इसको अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, एक झटका और मार लेते हैं। हाँ अब यहाँ से निकलो बाहर, और यहाँ से बाहर निकलते हैं। मेरे ख्याल से पुलिस अंकल मेरे पीछे लगे होंगे। अरे यार यहाँ पे, अबे ये तो पकड़ ही लिया यार, मैंने बोला था ना यार साला झटका किसी और को लगेगा, दर्द किसी और को होगा। फिलहाल इसकी भी बारी आएगी, इसकी भी पुंगी बजाएंगे हम लोग। तो आप लोग को क्या करना है यार, देखो जब तक गेम स्टार्ट और स्टार्ट हो भी गया तो फटाफट जाओ ना यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए यार ना तो तुम्हारे मोबाइल में घंटी बजेगी और ना ही मेरे दिमाग में नए आइडियाज की घंटी बजती है। तो फटाफट देखो, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ यार, तुम लोग भी मेहनत करो ना। हाँ। अरे यार वीडियो देखने से पहले एक घंटा तो दबा के रखो। फिलहाल यहाँ से शॉप से खरीदते हैं। अच्छा इसके लिए मुझे इंटरनेट, अबे साला तो फिर से आ गया। अबरी बार मैंने क्या कहता, इसका कहने का मतलब ये है कि तुम इस बूढ़े अंकल से पुंगी बजाने वाले कोई सामान नहीं खरीद सकते हो। तो कोई बात नहीं यार, मैं तो खरीदूंगा। फिलहाल यार फटाफट चलो, सबसे पहले मैं सामान ही खरीदूंगा, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे तू मेरा पीछा करेगा, तू आ जा ठीक है। फटाफट यहाँ से जाके तुझे सामान खरीदना है, बस इससे जाके सामान खरीदो। अरे यहाँ तो बहुत सारे सामान है इसके पास यार, फटाफट मुझे अपनी काम वाली चीजें खरीदनी पड़ेगी, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला हमें। फटाफट यहाँ से टूल्स पे आओ, और यहाँ से मुझे इसका चाहिए बैटरी यार, बैटरी मेरे पास देखो गन है, बैटरी खत्म हो गया है। तो फटाफट बैटरी खरीदता हूँ, और यहाँ से कुछ और खरीदना, हाँ ये पटाखे खरीद लेता हूँ यार। क्या पटाखे खरीदना जरूरी है क्या? हाँ एक पटाखा ले लेता हूँ और एक बम, बम है क्या यहाँ पे? हाँ बम भी है। तो फटाफट मैं यहाँ पे, तो यार टाइम एक लिखा हुआ है, फटाफट इसको टाइम एक को एक खरीद लेते हैं। हाँ यार एक ही काफ़ी होगा उसकी पुंगे बजाने के लिए। फटाफट यहाँ से एक काम करते हैं, एक एग ले लेते हैं ठीक है। तो यहाँ से मैं एक एग ले ही लेता हूँ यार, एक एग ले लिया। अब यहाँ से चलो चलते हैं पीछे, और अंकल बाय बाय ठीक है, मैं समझ गया तुम बाय बाय बोल रहे हो। अब फटाफट चलते हैं नेबर अंकल के घर पे। अच्छा यहाँ पे ये साला तू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था यार, इससे ज़्यादा तो ये परेशान कर देता है। मैं किसी और की पुंगी बजाता हूँ, साला ये मुझे पकड़ के अंदर कर लेता है। ये ले सबसे पहले पटाखा फोड़। फट गई ना तेरी, पीछे से फटी या आगे से समझ नहीं आ रहा तुझे, अभी रिवार में पूरा फटा दूंगा। ये ले फट गया। अरे यार खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वो भी छोटा सा। इतनी मेहनत करी थी मैंने इस बम को पाने के लिए, और इतनी जल्दी यार फट गई, जो कि इसका कुछ फटा भी नहीं। देखो ना तो आगे से फटा ना पीछे से, कोई बात नहीं। फिलहाल इसके घर में डाका डालेंगे, अब इसको जाने दो बाहर। क्या इसको पुंगी बजाना नहीं यार, इसके आगे क्या करूँ यार, छोड़ दो। फटाफट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ पहले पुलिस अंकल को ले जाता यार। इससे ज़्यादा मुझे इस पे गुस्सा आता है, मैं इसकी पुंगी बजाता हूँ और ठीक साला उसको लगता है इससे आ रहा है। अंकल तुझे समझ नहीं आ रहा किसने मारा? अरे मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। ओ ये भाई इधर कहाँ जा रहा है, इधर देख। ये साला फिर से जग जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। एक काम करते हैं, इसको एक बार और झटका देते हैं। अंकल
तू मुझे नहीं पहचान पाया, तेरी फट गई क्या आगे से कि पीछे से? अरे यार इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जा रही मगन में, अपने मगन में यार। तो कोई बात नहीं, इसको फटाफट जाने दो और यहाँ से मुझे, अब ये मोटे बाहर निकला है तो फटाफट इसके घर में झांक लेते हैं यार, थोड़ी बहुत कुछ तो मिलेगा ही, कुछ यूनिक और कुछ नया करने वाला चीज़। तो फटाफट चलो अंदर और यहाँ से कुछ ढूंढते हैं यार इसके लिए। ये पुलिस अंकल इसके घर के अंदर नहीं आ सकता, तो यहाँ से फिलहाल मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ से मैं मुझे चुराऊंगा एक गन जो कि यहाँ पे पड़ा है यार, मैंने चुराऊंगा एक गन। यहाँ से मैंने एक गन चुराई और यहाँ से मैं साली इसकी सारा का सारा चीज़ फोड़ देंगे। तो फटाफट मैं यहाँ से चलता हूँ। यहाँ पे पीटर अंकल रहते थे यार, पीटर अंकल कहाँ चले गए मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको शायद कोई कैद कर लिया होगा। कोई बात नहीं, उसको छुड़ा लेंगे, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया। तो फटाफट मैं यहाँ से चलते हैं नेबर अंकल के घर में, नेबर अंकल नहीं यार मोटा अंकल बोलो उसको। तो फटाफट यहाँ से जाके इसकी घर की पुंगी बजाएंगे। यहाँ पे कुछ इस पे यार, मैंने एक बार एक अनलॉक किया था ये गेट को तो फिर से यार लॉक हो गया। तो कोई बात नहीं, इसको लॉक रहने दो यार, इससे कोई लेना देना नहीं यार, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फटाफट यहाँ से फेंको, इसकी शीशा तोड़ते हैं। नहीं लगा, कोई बात नहीं यार, दूसरी बार ट्राई करें, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो फटाफट यहाँ से फेंको, लग गया ना, यहाँ से उसको सुनाई नहीं देगा। और ये जो इसका जो अंकल का जो ये साला रोबोट रखा है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा कमीना, फटाफट फ्रीज करके देखा, इसका भी शॉट यार तुरंत, इन्होंने मुझे कई बार फ्रीज करके अंकल को सौंपा है। तो फटाफट मैंने इसको तो फ्रीज करते हैं, यहाँ से इसकी शीशा को तोड़ते हैं। फटाफट यहाँ से एक शीशा और तोड़ो, अभी तक भी उसको सुनाई नहीं जा रहा यार। तो यहाँ से एक और फोड़ देते हैं। अबे ये गया कहाँ है, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था उसको। तो फटाफट यार इसको आवाज़ तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ से एक और फोड़ लेते हैं। तब तक फोड़ो, कहीं पे नहीं दिख रहा यार, ये तो गया। अरे वाह, सामने से आ रहा है, सामने से, भागो भागो यार यहाँ से। ओ आजा आजा यार, तू मेरे पीछे आ जा यार, मैं तुझे दौड़ा दौड़ा के आज पूरा थकाने वाला हूँ। तो फटाफट सामने आओ और यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा और पास आओ। अरे ये मैं तो फंसों घर बच गया, अरे ये तो मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। फटाफट यहाँ से अंदर चलते हैं और यहाँ से मैं आ गया अब। अरे इधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? ओए अंकल, अरे यार पकड़ा जाऊँगा मैं तो अभी। ये लो देखो, एंड टाइम पे मैंने इसको फ्रीज किया, मैं तो पकड़ा जाने वाला था। फटाफट यहाँ से निकल लो और यहाँ से निकल के फिलहाल इसकी शीशा फिर से तोड़ते हैं। तब ना इसको यार गुस्सा आ गया, फटाफट यहाँ से फेंको गन को। यार नहीं लगा, देखो यही ना एंड टाइम पे यार लगता नहीं है शॉट इसको, तो मज़ा नहीं आता यार गेम खेलने में। अबे ये तो मेरे पीछे ही लगा। अरे मैं तो शीशा में मारने वाला था इसको, यहाँ पे सर पे लगा और ये बेहोश पड़ा हुआ है। फटाफट क्या छलांग लगाया इन्होंने, गजब यार। तो फटाफट इसको यार मैं, अरे मेरा गन रिलोड नहीं था यार, मेरा बैटरी जो गन का ख़त्म हो गया था। तो फटाफट यार कैसा लगा गेम प्ले, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।